नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे पीआईबी की एनालिसिस 6 नवंबर की। इससे पहले 5 नवंबर की मैंने की थी। पूरी डेली एनालिसिस होती है ये, और ये जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है प्लस यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आईएएस पीसीएस एसएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये न्यूज। मोस्ट ऑथेंटिकेटेड सोर्स है गवर्नमेंट का। कई सारी जो न्यूज वेबसाइट हैं, न्यूज एजेंसी हैं, प्लस जो मीडिया हाउसेस हैं, सब यहीं पीआईबी से डेटा उठाते हैं। तो ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसकी मैं डेली की एनालिसिस लाता हूँ, डेली की समरी, जो भी आपको एग्जाम के लिए बातें जाननी जरूरी होती हैं। वो सबसे पहली और सबसे भयानक जो न्यूज है वो है पैराडाइज पेपर। 18 महीने पहले आया था एक पनामा पेपर, अब आया है पैराडाइज पेपर। पैराडाइज पेपर को पैराडाइज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो प्लेसेज इन्वॉल्व है वो सभी टैक्स हेवन या फिर टैक्स पैराडाइज है। इसमें 1 करोड़ से ज्यादा पेपर हैं, उनको एक्चुअली वो इसमें देखिए सिस्टम क्या हुआ कि एक बंदा है, कोई एनोनिमस था, उसने पेपर लीक कर दिए। अब इसमें जो पूरी दुनिया भर के 180 से ज्यादा देशों के लोग हैं, जो जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, वो क्या करते हैं कि वो मान लीजिए बड़ी कंपनी या कोई बहुत ज्यादा पैसे वाला है, वो ऑफशोर कंपनी थोड़ी छोटी छोटी इस्टेब्लिश करते हैं ऐसी कंट्रीज में जो टैक्स हेवन है। और ऐसी कंट्रीज कितनी है, ये 19 है। 19 ऐसी टैक्स हेवन है जहाँ पे टैक्स की रेट बहुत कम है। तो ये लोग अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर यहाँ से राउंड ट्रिपिंग के थ्रू ले लेते हैं। ये करते किस लिए हैं, क्योंकि इनको ब्लैक मनी इनके पास काफी ज्यादा है। मनी लॉन्ड्रिंग प्लस टेररिज्म प्लस और भी मेन जो पर्पज होता है, टैक्स इवेजन या फिर टैक्स अवॉइडेंस, इसके थ्रू ये लोग करते थे। अब इसके लिए इनको 2 कंपनियां इनकी हेल्प करती थी, एक एशिया सिटी और एक और है। वो एशिया सिटी देखिए ये कंपनी है, और एक बरमुडा की है कंपनी एप्पल बाई, ठीक है। अब ये दोनों कंपनी क्या करती है, कॉर्पोरेट सर्विसेज प्रोवाइड करती थी पूरे दुनिया भर के लोगों को, और इनको जो ऑफशोर कंपनी बनाने में पूरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए अकाउंटिंग सर्विसेज, सीएक्स सर्विसेज, ये दो कंपनियां देती थी। इन दोनों कंपनियों के पास इसीलिए 1 करोड़ से ज्यादा इनके पूरी दुनिया भर में जो ऐसे लोग हैं उनके पेपर थे। अब इस पेपर को किसी एनोनिमस ने लीक कर दिया। एनोनिमस ने लीक कर दिया, किसको दे दिया, इसने एक जर्मनी की कंपनी है जेटुंग, उसको दे दिया। मतलब ये पूरे पेपर हैं इस इन दोनों कंपनियों के पास, इनको एक किसी एनोनिमस ने ऑनलाइन हैकिंग करके लीक कर दिया। किसको दे दिया, ये जर्मनी कंपनी जेटुंग को, और इस जेटुंग ने किसको दे दिया, आईसीआईजे यानी कि इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जस्टिस। और इन लोगों ने पूरी दुनिया भर के मीडिया हाउसेस को, इंडियन जैसे इंडियन यहाँ पे इंडिया में इंडियन एक्सप्रेस को प्लस ब्रिटेन में गार्डियन को, इनको दे दिया। तो ये जो पेपर्स हैं लीक हुए, इन्हीं को बोला जा रहा है पैराडाइज पेपर लीक। दूसरी जो खबर है, यूएमआई का कॉन्फ्रेंस हुआ है, किसने कराया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स ने। किस लिए कराया गया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स कराता है हर साल अवार्ड ये, ताकि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अर्बन ट्रांसपोर्ट में उनको इनकरेज किया जा सके और अर्बन ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी को और ज्यादा प्रमोट किया जा सके। देखिए सूरत ने 87% फीसदी के साथ निजी वाहन और ऑटो रिक्शा इस्तेमालकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए इंडिया का सर्वोत्तम शहरी बस सेवा पुरस्कार मिला है इसको। मैसूर को साइकिलिंग के लिए मिला है ये बेस्ट ये गैर मोटर चालित परिवहन, और कोची को सबसे ज्यादा जल्दी से कंप्लीट करने के लिए, मेट्रो कंप्लीट करने के लिए मिला है सर्वोत्तम शहरी परिवहन पहल पुरस्कार, और यातायात प्रबंधन के लिए हैदराबाद में और प्लस दुर्घटना में कमी की पहल के लिए चित्तूर की सराहना की गई है। मेन चीज ये कहाँ पे हुआ था अवार्ड, ये हैदराबाद में हुआ था। अर्बन मोबिलिटी जो ये था आपका कॉन्फ्रेंस, अब इसमें यही सब इंग्लिश में भी लिखा है। देखिए सूरत को क्या मिला, बेस्ट सिटी बस सर्विसेज अवार्ड, और मैसूर को मिला है बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, कोची को मिला है बेस्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, और प्लस हैदराबाद को मिला है ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, चित्तौर को मिला है एक्सीडेंट रिडक्शन इनिशिएटिव के लिए। ये अवार्ड जरूर याद रख लीजिएगा, आगे वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, सूरत को क्या मिला है, बेस्ट सिटी सर्विस अवार्ड, सिटी सर्विस बस अवार्ड, बस काफी ज्यादा चलती है यहाँ पे। और मैसूर को मिला है साइकिलिंग के लिए, पब्लिक बाईसाइकिल बाईसाइकिल साइकिलिंग के लिए शेयरिंग के लिए बेस्ट नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट अवार्ड, कोची को मिला है बेस्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव क्योंकि इसने सबसे जल्दी जो मेट्रो रेल है उसको कंप्लीट किया है, हैदराबाद को ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, चित्तौर को मिला है एक्सीडेंट रिडक्शन इनिशिएटिव के लिए। ये एग्जाम में आ सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री ने, यूनियन एचआरडी मिनिस्टर जो है इस समय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने एक चिंतन चिंतन शिविर का आयोजन अभी स्टार्ट किया।
इसमें बेसिकली फोकस किस पे है कि एजुकेशन जो 21st सेंचुरी में के लिए रेलेवेंट है उसके लिए कैसे आप जो दुनिया जो मतलब स्टेक होल्डर्स हैं, अभी तक बात किसकी होती थी, शेयर होल्डर्स की, स्टेक का मतलब जिसका कुछ भी स्टेक है एजुकेशन में, जैसे एनजीओज हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, स्कूल्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, इन सबको एक साथ लाया जा सके और 21st सेंचुरी की क्या एजुकेशन होनी चाहिए, क्या रिलेवेंट होनी चाहिए, कैसे उसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, इन सब पे चिंतन होगा। तो इसीलिए हो गया ये चिंतन शिविर। 5 बेसिक इसमें थीम पे फोकस किया जाएगा। सबसे पहली है डिजिटल एजुकेशन, कैसे डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, कैसे ये हमारा फ्यूचर है। दूसरी है लाइफ स्किल एजुकेशन, तीसरी है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, चौथी है फिजिकल एजुकेशन और पांचवी है आपकी वैल्यू एजुकेशन। इन्होंने ये भी बताया कि ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड बहुत जल्दी पूरे देश के सभी स्कूलों में स्टार्ट कर दिया जाएगा। जैसे पहले थोड़े काफी ये 1990s में आया था एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, अब आएगा कौन सा ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, क्योंकि डिजिटल इंडिया पे काफी ज्यादा फोकस है। इन्होंने ये भी बताया था कि फिजिकल एजुकेशन के अलावा के बिना ये ऑनलाइन वाली डिजिटल ये सब कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, फिजिकल एजुकेशन पे भी फोकस करना चाहिए। एक चीज और इन्होंने शाला सारथी नाम का एक एनजीओ, स्टेट एनजीओ सीएसआर पोर्टल को भी लॉन्च किया था, ये इंपॉर्टेंट है। यही चीजें आप हिंदी में भी देख सकते हैं कि चिंतन शिविर का उद्घाटन किया गया। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या था कि 21वीं सदी में भारत के लिए प्रासंगिक समग्र शिक्षा प्रदान करना और उसके लिए विभिन्न जो गैर सरकारी संगठन हैं, निजी क्षेत्र के मुख्य हितधारक हैं, व्यक्ति को कैसे शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जाए, इसके लिए चिंतन शिविर था। 5 विषय डिजिटल शिक्षा, डिजिटल एजुकेशन, जीवन कौशल शिक्षा, प्रायोगिक अध्ययन एक्सपेरिमेंटल वाला, शारीरिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा पर केंद्रित है। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का भी इसमें मेन फोकस किया गया है, ये अभी आने वाला है, मतलब अभी आया नहीं है, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड जल्दी आएगा। और शीला सारथी का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट है इसमें चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पे नया उपकरण लैंडिंग सिस्टम लगाया गया, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। देखिए ये इसलिए लगाया जाता है, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, ISL इसको बोलते हैं। ये जब लैंडिंग करते हैं कोई भी एयरक्राफ्ट की, तो जो उसमें पायलट होता है उसको ये कुल मिला के गाइड करता है। और ये जैसे जो ये नया ISL आया है, ये एक्चुअली अपडेटेड वर्जन है, तो अब बारिश होगी या धुंध होगी, कैसा भी हो, जहाज की लैंडिंग काफी आसानी से हो जाएगी। और इसमें जो ऐसा भी होता था पहले पुराने वाले ISL में कि वो कुछ कवर नहीं कर पाता था, तो कवरेज कर संबंधी जितनी भी समस्याएं उनको समाप्त कर दिया गया है। और ये जो विमान है अब इसको अत्यंत, अगर बहुत कम ऊंचाई भी होगी उसमें भी बहुत ज्यादा प्रिसीजन के साथ ये इनको गाइड करेंगे। तो कुल मिला के ये एयरक्राफ्ट की सेफ्टी के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि लैंडिंग सेफ होनी चाहिए, उसमें पैसेंजर्स होते हैं, इसीलिए नया ISL लिया गया है। ISL का मतलब क्या है ये मैंने आपको बता दिया कि, तो नया इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम अभी चेन्नई एयरपोर्ट में आया है, फैसिलिटेट करेगा स्मूथ लैंडिंग हो सके एयरक्राफ्ट की, इसी के लिए ये पायलट को गाइड करता रहता है। और जो नया वाला है वो ज्यादा अपडेटेड है, रेन हो, लो क्लाउड हो, स्मॉग हो, कोई भी चीज हो, उसमें भी पूरा गाइडेंस मिलेगा जो भी एयरक्राफ्ट के पायलट हैं। और कुल मिला के ये इनहेंस करेगा सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट जब लैंड कर रहा है ये, इसीलिए। और ये देखिए ISL होता क्या है, ये प्रेसिजन रनवे अप्रोच होता है, जो कि 2 रेडियो बीम पे बेस होती है। इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह का गाइडेंस दिया जाता है। इसमें बेसिकली एयरक्राफ्ट को लैंड करने से रिलेटेड पायलट से ही पूरा कम्युनिकेशन होता रहता है, विजुअल कांटेक्ट बना रहता है। और ये अगर ISL जो नया वाला वर्जन है, मान लीजिए अगर विजुअल कांटेक्ट टूट भी गया तब भी ये आराम से सेफली लैंड कर सकता है। तो ये लैंडिंग की सेफ्टी के लिए काफी जरूरी है, ये वाली चीज यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट है इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने गुरु घासीदास जैतकम की ये विजिट किया था, ये जैतकम को गिरोदपुरी छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास जैतकम कौन है ये जानना आपको जरूरी है। ये काफी पॉपुलर सोशल रिफॉर्मर थे और ये डिस्पर्स जो कम्युनिटी है वहाँ की, उस 200 साल के पहले ही आए थे वहाँ पे। काफी ज्यादा इन्होंने ये जैसे कास्टिज्म इन सब पे बात की है, वुमेन राइट्स पे बात की है। कुल मिला के ये फेमस इसलिए हुए थे क्योंकि सतनामी समाज जो छत्तीसगढ़ में, उनकी स्थापना की थी। विकिपीडिया से इसकी इनकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इनका नाम है संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी, छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। और ये एडवोकेट थे सतनामी जो सेक्ट है हिंदुइज्म का, उसके फाउंडर थे ये सतनामी जो कम्युनिटी है छत्तीसगढ़ में। और इन्होंने ये कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी, मेन इन्होंने ये सतनामी कम्युनिटी जो छत्तीसगढ़ में उसको इस्टेब्लिश किया था। इंडिया में सतनाम का मतलब है कि सत नाम, यानी कि ट्रुथ और इक्वलिटी, सत्य के पीछे करना, ये सब चीजें हैं। इनकी जो टीचिंग्स है वो जनरली ये काफी सिमिलर है हिंदुइज्म और बुद्धिज्म से।
एक इन्होंने देखिए जात खम करके ये इस्टेब्लिश किया था, ये व्हाइट कलर का होता है वुड का, और प्लस इस पे व्हाइट कलर का झंडा लगा रहता है। तो ये जात जो जैत खम है ये किन से रिलेटेड है, ये गुरु घासीदास से रिलेटेड है, ये आप याद रखिएगा। और इसका जो स्ट्रक्चर ये क्या इंडिकेट करता है कि कोई जो व्हाइट मैन है वो अगर ट्रुथ यानी कि सत्य की राह को फॉलो करेगा तो वो हमेशा स्टेड फास्ट हो जाएगा, स्टेड फास्ट किया जाएगा, और मतलब कुल मिला के सच्चाई को आप माने, ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। और यहाँ पे मेन जो इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली है कि घासीदास जी कहाँ पे हुए थे, छत्तीसगढ़ में। तो ये पूछा सकता है कहाँ से रिलेटेड है, छत्तीसगढ़ से, सतनाम से रिलेटेड है, सतनामी कम्युनिटी से जो हिंदुइज्म की है, ये दो चीज। और जैत खम जो है ये किन से रिलेटेड है, ये इनसे रिलेटेड है, गुरु घासीदास जी से। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट में छोटी सी न्यूज है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अब बोला है कि SMS देंगे जो भी डिले हो जाएगी अगर ट्रेन, और लेकिन ये सिर्फ राजधानी शताब्दी तेजस और गतिमान के लिए, अभी धीरे धीरे इनको और भी ज्यादा एक्सटेंड किया जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। हिंदी इंग्लिश दोनों में करता हूँ मैं। देखिए ये जो हमारी PDF है ये ओनली UPSC स्टेट PCS और UPPCS 2018 का ग्रुप है हमारा, कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी के लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। GS प्लस करंट अफेयर पूरा उसमें फोकस NCERT पे है। उसमें ज्वाइन करने का फायदा ये, वीडियो तो YouTube में ही रहेगा, सब जितने भी लोग हैं आपको सब PDF मिलेंगी उसमें, प्लस इंडिविजुअल वॉइस रिकॉर्डिंग्स होती हैं कई सारी। उसमें मैं कई बार कुछ समरी कुछ चैप्टर की वॉइस रिकॉर्डिंग में दे देता हूँ, या फिर आपको कई बार कुछ इंडिविजुअल प्रॉब्लम होगी तो भी मैं उसमें पूरा गाइडेंस करता हूँ। और पूरा GS के लिए है ये बेसिकली, ऑप्शनल के लिए भी अगर मुझसे हो पाता है तो मैं बता देता हूँ। तो ये कुल मिला के गाइडेंस प्रोग्राम है, चाहे तो आप पेड ज्वाइन कर सकते हैं। 7838692618 मेरा नंबर है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।